अस्सलामुअलैकुम मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल आप सबका? ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का जो व्लॉग, जैसे मरियम ने आपको बताया कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो चीज खाई जाती है वो आपके सामने है, तरबूज हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको हमने दिखाना था, अब तो पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े तरबूज मिल जाते हैं और ये हम तरबूज लेके आए हैं। एक बड़ा जरा साइज है और एक छोटा है। अब वीडियो में नहीं पता ये कितने बड़े लग रहे, ये काफी वजनी है। बड़ा तरबूज कितना है वजन? 8 kg। ये जो बड़ा है वो 8 kg का है, उसका 8 kg वजन है। और छोटा जो है 5 kg, वो 5 का है। तो ये तकरीबन बने हैं 11 एरो के तरबूज बने। ये 10 रुपए कम 2000 पाकिस्तानी पैसों के तरबूज बने हैं। और ये इन दिनों में यहाँ पे बहुत ज्यादा खाए जाते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं, और इससे भी बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े। पर वो ये तो अंदर से बहुत ज्यादा पके हुए होते हैं और उनका जायका थोड़ा सा अजीब सा होता है। और आपको अब ये हम काट के दिखाएंगे, देखते हैं कि जी ये कैसा निकलता है, क्योंकि मुझे इतना अरसा इधर हो गया, मैंने आज तक सफेद रंग का तरबूज देखा ही नहीं। जैसे हमारे पाकिस्तान में जो वो व्हाइट कलर में तरबूज निकल आते, यहाँ मैंने आज तक ये खरबूजा नहीं फीका देखा, और जो गर्मा वगैरह वो भी मीठा, और तरबूज आज तक मैंने व्हाइट देखा ही नहीं। और एक तरबूज येलो कलर का भी है। हाँ जी, आजकल एक येलो कलर का भी तरबूज आया हुआ है। अब इसको हम करते हैं, काटते हैं जी। अब इसकी करते हैं हम जरा कटाई और देखते हैं जी ये कैसा निकलता है। आप क्या कहते हैं कैसा होगा? और इसको हम काट के जो है ना जी फ्रिज में रख देते हैं, जब ये फिर ठंडा होता है तो फिर हम इसमें से पीस निकाल के जितना खाना हो उतना इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल सुरख निकला है। और अगर हम इससे बड़ा भी मसल लेते तो वो फिर ज़्यादा ये चीज़ गली भी होनी थी, ख़राब होनी थी, क्योंकि वो ज़्यादा गर्मी की वजह से भी पक जाते हैं। यहाँ तो हर जगह पे एसी लगा होता है मार्केटों में, तो जिससे थोड़ा सा इनका बच बचा हो जाता है। खा के देखो कैसे। यहाँ पे ये प्लास्टिक की ये मिलता है कवर, और जैसे ये हम इसके ऊपर ढक के इसको अच्छी तरह, ये देखें, इसको कवर करके जो हम रख देंगे, और जब खाना होगा इसमें से हम पीस निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे हम पाकिस्तान में तो होता है ना कि सारा हम लोग उसी टाइम काट लेते हैं कि जी ख़राब हो जाएगा। ये किस तरह आप डीप फ्रीज़र में अपने फ्रिज में रख दें तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा जी। दूसरे पे भी हम इसी तरह ही ये टैट करके इस पे भी चढ़ा देंगे, क्योंकि बच्चों ने अभी कुछ टाइम पहले खाया था तो इसलिए अब ये सुबह खाएंगे जी। अब इसको रखेंगे हम फ्रिज में। यहाँ पे देखें फ्रिजे ना इस किस्म की होती हैं, किचन के साथ ही, यानी के ये पूरे फर्नीचर के साथ ही लगी हुई होती हैं। फ्रिज यानी के छोटी होती है, इससे भी छोटी छोटी होती हैं। कईयों ने अपनी खुद की खरीद के रखी है। ये जो होती है यहाँ पे, ये मकान जैसे जिनका हम लोग लेते हैं ये उन्हीं का होता है सारा कुछ। देखेंगे कि फ्रिज में जगह है तो फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। ये देखें ये फ्रिज फिर भी थोड़ी बड़ी है, कईयों की तो बहुत छोटी है जी। अब इसी छोटे से ब्लॉग के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। और अगर आज का छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा, ये तरबूज जो हमने आपको दिखाया और आपको बताया कि मैंने आज तक सफेद रंग का तरबूज देखा ही नहीं कच्चा निकला हो, तो ये आपको यही दिखाना था। और दूसरा भी देखिएगा, सुरख ही होगा बिल्कुल। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आज का ब्लॉग आपने बताना आपको कैसा लगा है और ये आपको। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो।